हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, NCVAP या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर डिग्री कैसी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोल के स्टूडेंट्स के लिए या और भी जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ऑनलाइन डिग्री का प्रोसेस रखा था, बट क्या हमें ऑफलाइन डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आप सभी के सामने डिग्री है जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA के स्टूडेंट्स की डिग्री है। जो स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SUL में पढ़ते हैं उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे आप सभी की डिग्री की और कैसे क्या प्रोसीजर है, किन स्टूडेंट्स को जाना है, कब मिलेगी। अगर आप भी आपका टाइम नहीं हुआ तो एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लुक दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके की डिग्री दिखती है और किस तरीके से आप सभी इसको प्राप्त करेंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री के टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी का एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। ये एनरोलमेंट नंबर आप सभी के सेम प्रोविजनल की तरह होता है, जो कि प्रोविजनल पे लिखा है वो यहाँ पर वही लिखा होता है। यहाँ पर आप सभी का जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन रोल नंबर है, फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो आपका यहाँ पर मेंशन होता है। फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, वो रोल नंबर यहाँ लिखेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बात ये भी आएगी कि सर क्या डिग्री की जगह प्रोविजनल यूज हो सकता है और डिग्री प्रोविजनल में क्या अंतर है, यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये उनका लोगो और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा आएगा। अगर आप BCom के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ आएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप सभी एक चीज को ध्यान रखेंगे कि ये प्रमाणित किया जाता है कि आपका एग्जाम जिस भी ईयर फाइनल ईयर का होगा कंप्लीट, वहां पर आप सभी के लिए यहाँ पर मेंशन होगा कि भाई इस सेशन के एग्जाम में जो भी जो है स्टूडेंट है वो क्या हो चुका है, क्लास स्नातक हो गया है, या फिर आप सभी के BCom के स्टूडेंट्स जो है वो ये चीज, यही चीज सेम चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी है और यही चीज आप सभी के लिए सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है। यहाँ पर आपके जो है पिताजी का नाम आएगा, पहले पहले यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर पिताजी का नाम है, फिर यहाँ पर आप सभी के जो पुत्र या पुत्री जिसकी भी ये डिग्री है ये उसका नाम होगा यहाँ पर, यानी स्टूडेंट का नेम होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, और यहाँ पर आप सभी के जो भी फादर है उनके फादर का नेम होगा, यहाँ पर फादर नेम होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम होगा। ये डिग्री कब मिली है तो आप सभी के लिए ये टाइम दिया गया, ये इस टाइम है, और साथ ही साथ में आपका कौन सा श्रेणी आया है, आप प्रथम आए हो, आप द्वितीय आए हो, आप तृतीय आए हो, आप कौन सी श्रेणी में आए हो, आपकी कौन सी डिवीजन आई है, यहाँ पर ये चीज मेंशन होगी डायरेक्टली। यू कैन सी यहाँ पर जो चीज इंग्लिश में यहाँ पर लिखी है वही चीज हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई थी, और यहाँ पर श्रेणी का मतलब डिवीजन है जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका, और यहाँ पर जो कुल सचिव है उन सभी के रजिस्ट्रार हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पर बाल कोड नंबर होता है, बार कोड नंबर आप सभी को ध्यान रखना है, इस बार कोड नंबर को स्कैन करके भी आप अपनी डिग्री को देख सकते हो। यहाँ पर भी ये नंबर है, बार कोड नंबर है, तो यहाँ पर यू कैन सी आप देख सकते हो QR कोड, एक बार कोड है, ये बार कोड नंबर है, ये QR कोड नंबर है। ये डिग्री आप सभी के लिए कब रिलीज हुई है तो यहाँ पर ये भी है। अभी 2021 में जो भी स्टूडेंट्स पास हुए थे, यानी ये वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो एनुअल मोड के स्टूडेंट थे, एनुअल मोड के जो स्टूडेंट थे उन्होंने 2021 में उनका रिजल्ट आया था, तो उन सभी को ये डिग्री मिली थी और ये उन सभी की ही डिग्री है। यानी मैं बात कर दूं तो जब आप सभी की फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था और आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो उन सभी की जो डिग्री है वो बाई पोस्ट आप सभी के घर पे आ रही है। सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की डिग्री अभी तक नहीं आई है, पोस्ट होकर आई ही नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना, आप सोल जा सकते हो। वैसे वो कहेंगे कि हम आपको बाई पोस्ट ही भेजेंगे, और नहीं आता तो वहाँ पर आप सभी को कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, उन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है यहाँ पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि 2000
सभी को ध्यान रखना है 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं यानी जिनका रिजल्ट 2018 तक आया था उन सभी को सोल जाकर ही लाना पड़ेगा अपनी डिग्री को, उससे पहले के स्टूडेंट्स भी और 2018 तक की, और इसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बाई पोस्ट भिजवाया जा रहा है ताकि सोल के अंदर ज्यादा भीड़ ना लगे। आप सभी को पता है कि 2 साल तो पूरे कोविड के टाइम रहे, तो उस 2 साल की वजह से बच्चों को डिग्री नहीं मिल पाई और पहले की डिग्री भी पेंडिंग थी और 2 साल की और तो बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है। इस वजह से सोल अब क्या कर रहा है, आप सभी को जो डिग्री है वो आपके घर पर बाई पोस्ट भिजवा रहा है। आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, 2018 से पहले के स्टूडेंट्स या 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोल जाकर डिग्री लेनी पड़ेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जो आप 2021 में पास हुए थे जिनके रिजल्ट पे भी डेट लिखा होगा 2021, तो उन सभी को क्या करना है कि भाई अपने पोस्ट ऑफिस पे पता करना है या फिर जो भी आप सभी का पोस्टमैन आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी डिग्री को ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं आती तो आप सोल जाएंगे, सोल जाने के बाद में आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करेंगे जो विंडो है नंबर 20B और 20C जो कि एक दूसरे के बगल में ही है, विंडो नंबर 20C के बगल में एक QR कोड लगा है, उस कोड को आपको जाकर स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आप सभी के पास में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप सभी को क्या करना है, आप लोगों के पास में लाइब्रेरी ई क्लियरेंस का फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप सभी को फिल करना है, उसका एक प्रिंटआउट लेना है। और इसके साथ ही आप सभी को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, आप सभी को ध्यान रखना है मार्कशीट की पहली चीज़, आप सभी को अपने क्लास जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है आपको उसकी मार्कशीट ले जानी है। दूसरा आपको वहाँ पर अपना जो ID कार्ड है सोल का आपको वो ले जाना पड़ेगा, नहीं है तो आप डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा आपको कोई भी एक ID प्रूफ लेके जानी है, और जिन स्टूडेंट्स की ID में जैसे आधार वगैरह में फोटो साफ नहीं है तो वो अपना पैन भी ले जाए या अपना दो, ये दोनों चीज़ तो उनके पास होनी चाहिए। इनकी फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट होगी, आप सभी को ध्यान रखना है, और इसके आपकी आईडी भी लगेगी, आपके सिग्नेचर भी होंगे उस ई क्लियरेंस वाले फॉर्म में, और इसके साथ ही आपका एड्रेस वगैरह भी उसके अंदर मेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को लेके जानी है अगर आप 2018 से पहले स्टूडेंट हो या 2018 के स्टूडेंट हो, और उसके बाद वाले स्टूडेंट्स को वेट करना है, आप सभी के घर पे ही डिग्री आएगी। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को ये मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की डिग्री फॉर फर्दर जैसे भी आप सभी को मिलेगी वो बढ़िया मिलेगी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय